हेलो फ्रेंड्स, तो फैन फिक्शन स्टोरीज के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की फैन फिक्शन है रामायण पार्ट वन। एंड दोस्तों, इसके बाद दो और पार्ट्स आने वाले हैं, तो इसलिए इस पार्ट को अच्छे से देखना, अच्छे से समझना, बहुत मजा आने वाला है। लेकिन यार, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि ऐसी और भी ऑसम फैन फिक्शंस देखने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हो। वहां पे आपको बहुत सारे फैन फिक्शंस दिख जाएंगी। लेटेस्ट फैन फिक्शन मैंने रावण 3 के ऊपर बनाया था, जिसे बहुत ज्यादा प्यार मिला। तो उस फैन फिक्शन को अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देख लेना। और उसके अलावा भी बहुत सारे फैन फिक्शंस हैं जिनको आप लोग चेकआउट कर सकते हो, तो यार एक बार देख लेना सबको। तो चलो, अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इस कहानी में कुछ छोटे बदलाव हैं जो कहानी के मनोरंजन मूल्य को बढ़ाने के लिए किए गए हैं, लेकिन ये असली रामायण पर असर नहीं डालते। इस कहानी में इस्तेमाल किए गए वाक्य पूर्ण रूप से काल्पनिक है और ये रामायण के मूल वाक्याओं का दावा नहीं करते। ये कहानी रामायण के विभिन्न चित्र वर्णन से प्रेरित है और आप लेख के मांग के अनुसार कुछ काल्पनिक कहानी के तत्वों को देख सकते हैं। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है 22 जनवरी 2024 से, जहां अयोध्या में राम मंदिर का समारोह चल रहा होता है। पूरा देश खुशी से झूम रहा होता है और चारों तरफ राम का नाम हो रहा होता है। और फिर यहां से ये सीन कट हो जाता है और हमें रात का समय दिखाया जाता है, जहां पे सब कुछ शांत हो चुका था, मंदिर में ताला लग चुका था और हम देखते हैं कि एक ऋषि जैसा दिखने वाला आदमी राम मंदिर के अंदर चला जाता है और फिर वो श्री राम की मूर्ति के सामने खड़ा होकर मूर्ति को निहारने लगता है। और अब जैसे ही वो मूर्ति के सामने अपना हाथ जोड़ता है तो यहां से उसका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होने लग जाता है और हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि हनुमान होते हैं। और हनुमान मूर्ति के सामने अपना हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, जय श्री राम। और फिर वो बड़े ही सरलता से कहते हैं, प्रभु आपका ये बाल मुख बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप अपने बचपन में दिखते थे। बचपन में हमारी वो आखिरी मुलाकात मुझे आज भी याद है। एंड दोस्तों, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि रामलला की मूर्ति पे कैमरा जूम होता है और हमें श्री राम के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहां वो हनुमान से कहते हैं, अब तुम्हें ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाना होगा, जाओ हनुमान, किष्किंधा जाओ, मैं वादा करता हूं कि भविष्य में मैं तुमसे वही मिलूंगा। एंड दोस्तों, फिर इसके बाद दिखाया जाता है कि हनुमान वहां से चले जाते हैं और स्क्रीन ब्लैंक हो जाता है। और फिर हमें हनुमान की आवाज आती है, जहां पे वो कहते हैं, लेकिन दोस्तों कहानी की शुरुआत यहाँ से नहीं, श्री राम के जन्म से होती है। एंड फिर यहाँ से हमें 10 साल पीछे की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ रही थी, क्योंकि वहाँ के राजा दशरथ की पहली संतान का जन्म हो चुका था, जिसका नाम है राम। दोस्तों, राम के जन्म के साथ ही पूरा शहर झूम उठता है, फूल खिल उठते हैं और चारों तरफ इतना पॉजिटिव वातावरण हो जाता है कि कैलाश में बैठे महादेव भी अपनी जगह से उठकर राम के दर्शन को व्याकुल हो जाते हैं। और फिर यहाँ से एक सॉन्ग वाला सीक्वेंस हमें दिखाया जाता है, जहाँ पे हम राम के पूरे बचपन को देखते हैं। और फिर उसके आगे दिखाया जाता है कि राम अब 15 साल का हो चुका है और उसने अपने ज्ञान की प्राप्ति भी कर ली है। लेकिन फिर एक दिन उसके गुरु विश्वामित्र राजा दशरथ के पास आते हैं और कहते हैं, राजा दशरथ, मुझे राम की मदद की जरूरत है, कुछ असुरों ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है और उन सभी असुरों की एक गुरु है जिसका नाम है ताड़का, जो हमेशा हमारे यज्ञ को भंग कर देती है, और इसलिए मैं राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। जिस पे राजा दशरथ अपनी स्वीकृति दे देते हैं और उन दोनों को विश्वामित्र के साथ भेज देते हैं। रास्ते में विश्वामित्र राम से कहते हैं, ताड़का कोई साधारण राक्षसी नहीं है, उसे ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है, उसके अंदर हजार हाथियों का बल है, तुम्हें डटकर उसका मुकाबला करना होगा राम। जिस पे राम कहता है, मैं पूरी कोशिश करूंगा सभी ऋषियों को बचाने की, आप मुझे आज्ञा दें। एंड दोस्तों, फिर इसके आगे हम देखते हैं कि ताड़का और उसके असुरों के सामने राम और लक्ष्मण पहुंच जाते हैं और यहां से उनका युद्ध शुरू हो जाता है। एक तरफ लक्ष्मण बाकी के असुरों से लड़ रहा होता है और दूसरी तरफ राम ताड़का के बेटों से। राम ताड़का के उन दोनों बेटों पर तीर चलाता है, जिसपे सुबाहु दानव की तो मौत हो जाती है, लेकिन मारिच नाम का दानव उस तीर से मरता तो नहीं, लेकिन 100 योजन दूर जाकर गिर जाता है। और अब उन दोनों और बाकी के असुरों को हराने के बाद फाइनली ताड़का राम के सामने आती है और फिर इन दोनों में युद्ध होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, ताड़का बहुत ही ज्यादा ताकतवर होती है और राम के हर एक वार से बच जाती है। और एक वक्त तो ऐसा आता है जब वो राम को इतनी जोर से मारती है कि वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। लेकिन दोस्तों, राम यहाँ पर हार नहीं मानते और महादेव को याद करते हुए दोबारा से खड़े हो जाते हैं और फिर दौड़ते हुए एक पहाड़ पे चढ़ जाते हैं और वहां से जंप लगाकर ताड़का पे अपना बाण चला देते हैं, जिससे कि फाइनली उस राक्षसी ताड़का की मौत हो जाती है और वहां के सारे ऋषि दानवों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, फिर आगे हमें मारिच को दिखाया जाता है, जो कि वहां से बच निकला था और वो लंका पहुंच जाता है, जहां पे हम पहली बार रावण को देखते हैं। मारिच उससे कहता है, मेरी माँ और बाकी दानवों की हत्या हो गई है। जिस पे रावण कहता है, किसने की उसकी हत्या,
विश्वामित्र के दो चेलों ने सभी का विनाश कर दिया। दोस्तों उसकी ऐसी बातें सुनकर रावण शॉक होकर कहता है, दो चेलों ने, ऐसा कैसे हो सकता है? दो मामूली बालक ताड़का का वध कैसे कर सकते हैं? तो दोस्तों अब यहाँ से ये सीन कट हो जाता है और हमें 9 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पहली बार हम सीता को देखते हैं। सीता अपने महल के बाकी दासियों के साथ एक खेत में होती है और वहाँ उसके हाथ में होता है शिव धनुष, जिसे उसके अलावा उस दरबार में और कोई भी नहीं उठा सकता था। वो उस शिव धनुष की मदद से कुछ फल तोड़ती है, लेकिन तभी उसके पिता राजा जनक वहाँ आते हैं और उससे कहते हैं, सीता माना तुम शिव धनुष उठा सकती हो, लेकिन इस धनुष से मामूली फलों को तोड़कर इसका अपमान मत करो बेटा। जल्द ही तुम्हारे स्वयंवर की तैयारी होने वाली है और जो महापुरुष तुम्हारे लिए इस धनुष को उठाएगा वही तुम्हारा स्वामी कहलाएगा। जिस पे सीता कहती है, पर मैं आप लोगों से दूर नहीं होना चाहती पिताजी। बेटा जो तुम्हारा स्वामी होगा वो मर्यादा पुरुषोत्तम होगा, जो तुम्हें इतना प्यार देगा कि तुम अपने पिता के प्यार को याद ही नहीं रख पाओगी बेटा। तो दोस्तों अब यहाँ से ये सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि राम विश्वामित्र और लक्ष्मण के साथ सीता स्वयंवर के लिए जनकपुर आता है, क्योंकि अगली सुबह सीता का स्वयंवर होने वाला होता है और ये लोग एक दिन पहले ही वहाँ पे पहुँच जाते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि राम और लक्ष्मण वहाँ के बगीचे में घूम रहे होते हैं, जहाँ पे थोड़ी देर बाद सीता भी आ जाती है। यहाँ पहली बार वो दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर शर्माने लग जाते हैं और एक टक लगाए एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। कुछ ही देर बाद हमें रात का समय दिखाया जाता है, लेकिन अभी भी उन दोनों के दिमाग में बस एक दूसरे की तस्वीर ही छपी हुई थी। एक तरफ राम चाहकर भी सीता के चेहरे को भूल नहीं पाता और दूसरी तरफ सीता शिवलिंग के सामने प्रार्थना करती है और कहती है, हे शिव जी, मैंने अपना पति चुन लिया है, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दें और कल के दिन सभी युवराजों में राम ही वो युवराज हो जो आपका धनुष उठाए, क्योंकि अब हमें राम से मोहब्बत हो गई है, हम राम से ही शादी करना चाहते हैं। एंड दोस्तों फिर इसके बाद अगला दिन शुरू होता है, जहां अलग अलग राज्यों के युवराज स्वयंवर में पार्ट लेने के लिए आते हैं, लेकिन यहां पे कोई भी उस शिव धनुष को नहीं उठा पा रहा था। बट तभी वहां पे आता है रावण और वो बाकी के सभी युवराजों का मजाक उड़ाते हुए कहता है, मूर्खों तुम क्या सोचकर यहां आए थे? तुम लोगों ने यह सोच भी कैसे लिया कि तुम जैसे निर्बल इंसान महादेव के इस धनुष को उठा पाएंगे? अगर इस धनुष को कोई उठा सकता है तो वो है रावण, जो महादेव का परम भक्त है, जिस रावण ने कैलाश तक को उठा लिया था, उसके लिए यह धनुष उठाना कौन सी बड़ी बात है? मूर्खों चले जाओ यहां से, क्योंकि सीता का विवाह किसी और से नहीं बल्कि दशानन यानी कि रावण से होगा। और फिर ये कहकर वो उस धनुष को उठाने लग जाता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे रावण भी उस धनुष को नहीं उठा पाता, जिसके कारण वहाँ बैठे सभी लोग उसके ऊपर हंसने लग जाते हैं और राजमहल में उसका मजाक उड़ जाता है, जिसे देखकर रावण बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, चुप रहो मूर्खों, अगर मैं इसे नहीं उठा पाया तो कोई भी इसे नहीं उठा सकता। पर तभी विश्वामित्र कहते हैं, अभी मेरे शिष्य की बारी नहीं आई है दशानन। एंड फिर वो राम से कहते हैं, जाओ पुत्र, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। एंड दोस्तों फिर उसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे राम उस धनुष की तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं और धनुष के सामने आकर वो सबसे पहले उस धनुष को प्रणाम करता है और फिर आखिर में अपने एक ही हाथ से उस धनुष को उठा लेता है, जिसे देखकर सीता बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और दूसरी तरफ रावण शॉक हो जाता है और फिर गुस्से में वहां से चला जाता है। एंड फिर उसके कुछ ही दिनों के बाद बहुत ही धूमधाम से राम और सीता की शादी की जाती है और उन दोनों की शादी होने के बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और फिर हमें 3 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहां राम लक्ष्मण और सीता अयोध्या छोड़कर वनवास के लिए निकल रहे होते हैं। और दोस्तों उनके वनवास जाने का रीजन क्या था ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो अब वनवास जाने के बाद एक दिन सूर्पनखा वहां पे आती है और राम से शादी करने का प्रस्ताव रखती है, लेकिन जब राम और लक्ष्मण दोनों ही उससे शादी करने के लिए मना कर देते हैं तो वो गुस्सा होकर सीता पे अटैक कर देती है, जिसके बदले में लक्ष्मण उसकी नाक काट देता है और अपने नाक काटे जाने की वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और भागते हुए अपने चचेरे भाइयों के पास जाती है, जिनका नाम था खार और दूषण। जब खार और दूषण अपनी बहन की कटी हुई नाक देखते हैं तो वो दोनों बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और राम को गिरफ्तार करने के लिए अपने 14,000 राक्षस उसके पास भेजते हैं। यहाँ दूसरी तरफ राम एक नदी के पास बैठकर ध्यान लगा रहा होता है और तभी वो देखता है कि आसमान से बहुत सारे राक्षस उसके करीब आ रहे हैं और बस इसलिए ही वो खड़ा हो जाता है और अपने धनुष से उन पे वार करने लग जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे राक्षसों की सेना बहुत ज्यादा बड़ी होती है और वो सभी चारों तरफ से राम को घेर लेते हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम हार नहीं मानता और एक एक करके उन सभी को मारने लग जाता है।
यहाँ पे हमें एक बहुत ही अच्छा फाइट सीक्वेंस दिखाया जाता है जहाँ पे राम उन सभी 14,000 राक्षसों से लड़ रहा होता है और आखिर में वो उन सभी राक्षसों को मार गिराता है। जब सुर्पनखा देखती है कि ये 14,000 राक्षस मिलकर भी राम को नहीं पकड़ पाए तो वो अपने भाई रावण के पास जाती है और उसे बताती है कि किस तरह राम और लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी एंड उसके अलावा वो उसे ये भी बताती है कि सीता बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और उसे उससे शादी कर लेनी चाहिए। दोस्तों सीता का नाम सुनते ही रावण को स्वयंवर वाला दिन याद आ जाता है और वो कहता है, बहन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे और अपने अपमान का बदला उस राम से जरूर लूंगा। और ये सब कहने के बाद वो वहां पे मारिच को बुलाता है। दोस्तों वही मारिच जो कि ताड़का का बेटा था जो कि 12 साल पहले राम के वार से बच निकला था। रावण उससे कहता है, आपको राम और लक्ष्मण का ध्यान भटकाना होगा ताकि मैं सीता का हरण कर सकूं। जिस पे मारिच कहता है, जैसा आप कहें महाराज। और फिर हम देखते हैं कि मारिच एक हिरण का रूप ले लेता है और सीता के सामने घूमने लग जाता है, जिसे देखकर सीता बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाती है और राम से कहती है कि मुझे वो हिरण चाहिए। जिस पे राम लक्ष्मण से कहता है, लक्ष्मण मैं उस हिरण को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ और जब तक मैं वापस नहीं आता तुम सीते का ध्यान रखना। और ये कहकर वो उस हिरण को पकड़ने के लिए चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों जब राम जंगल में जाकर उस हिरण को पकड़ लेता है तो अचानक से वो हिरण मारिच में बदल जाता है और राम की आवाज़ निकालकर लक्ष्मण को आवाज़ लगाने लग जाता है और लक्ष्मण अपने भाई की आवाज़ सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसे लगता है कि ज़रूर राम किसी मुसीबत में है, लेकिन फिर भी वो उनकी मदद करने के लिए नहीं जाता। लेकिन जब सीता उससे कहती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो और अपने भैया की रक्षा करने के लिए जाओ तो फिर वहां जाने से पहले वो अपने घर के चारों तरफ एक रेखा बना देता है और सीता से कहता है, भाभी जब तक मैं वापस नहीं आता आप इस रेखा के अंदर ही रहिएगा। और फिर ये कहकर वो वहां से चला जाता है। लेकिन दोस्तों तभी रावण एक साधु बनकर वहां आता है और सीता को लक्ष्मण रेखा पार करने के लिए मजबूर करता है। वो सीता से कहता है, अगर आप इस रेखा को पार करके हमें भिक्षा नहीं दे सकती तो हमें खाली हाथी यहाँ से लौटना होगा। पर सीता ऐसा नहीं चाहती थी और उसका मान रखने के लिए वो उस रेखा को लांग जाती है। बट अब जैसे ही वो लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करती है तो रावण अपने असली रूप में आ जाता है और उसे जबरदस्ती पकड़कर अपने पुष्पक विमान में बैठा देता है और उसे जोर से पकड़कर वहां से उड़ा ले जाता है। रास्ते में एक गिद्ध जिसका नाम जटायु होता है वो सीता को रावण के साथ देख लेता है और इसलिए वो रावण के पुष्पक विमान का पीछा करने लग जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। यहाँ दूसरी तरफ जब लक्ष्मण राम के पास पहुंचता है तो राम समझ जाता है कि सीता जरूर किसी खतरे में है और इसलिए वो दोनों तुरंत ही अपने घर की तरफ भागने लग जाते हैं। और यहाँ रावण और जटायु के बीच हमें एक चेजिंग सीक्वेंस दिखाया जाता है जहाँ जटायु रावण से लड़ने की और सीता को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन आखिर में रावण उसके पंख काट देता है और जटायु नीचे गिर जाता है। वहां दूसरी तरफ राम और लक्ष्मण जब अपने घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि सीता वहां पे नहीं है और इसलिए वो दोनों सीता को ढूंढने के लिए काफी दिनों तक जंगलों में भटकते रह जाते हैं। और फिर एक दिन भटकते हुए उन्हें जटायु दिखता है जो कि अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। और जब राम जटायु को अपने गोद में लेता है तो जटायु कहता है, प्रभु मैंने इतने दिनों तक अपने प्राण बचा रखे थे ताकि आपको संदेश दे सकूं, माफ करना प्रभु मैं माँ सीता को नहीं बचा पाया, उस मायावी रावण ने माँ सीता का अपहरण कर लिया है। मैं ये तो नहीं जानता कि वो उन्हें कहाँ ले गया, लेकिन वो लोग उस दिशा में गए हैं प्रभु। और फिर ये सब कहने के बाद जटायु की मौत हो जाती है। दोस्तों लक्ष्मण ये सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, भैया मैं उस रावण को नहीं छोड़ूंगा, उसकी हिम्मत कैसे हुई भाभी को हाथ लगाने की। जिस पे राम कहता है, अपने गुस्से को शांत करो लक्ष्मण, रावण कोई मामूली असुर नहीं है, उसे हराने और सीता को ढूंढने के लिए हमें मदद की जरूरत पड़ेगी, चलो मेरे साथ। जिस पे लक्ष्मण कहता है, पर हम जा कहाँ रहे हैं भैया। तब राम कहता है, हम किष्किंधा जा रहे हैं लक्ष्मण, लेकिन भैया वहाँ तो हमारे पहचान का कोई भी नहीं रहता, तो हम वहाँ क्यों जा रहे हैं, वहाँ पे ऐसा कौन है जो हमारी मदद कर सकता है। जिस पे राम कहते हैं, वो जो महाबली है, वो जो वानरों में सबसे अधिक बलशाली है, वो जो पवन पुत्र है, वो जो मेरा परम भक्त है। अब वक्त आ गया है लक्ष्मण अपने भक्त से मिलने का, अब वक्त आ गया है हनुमान से मिलने का।